डियर स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको साइलम टर्म के राइजोम का इंटरनल स्ट्रक्चर बताया था। आज अपन बात करेंगे वायवीय प्ररोह का शरीर यानी एनाटॉमी ऑफ एरियल शूट। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है ये वायवीय तने का अनुप्रस्थ काट है। तो वायवीय तने का जो हिस्सा होता है उसको तीन भागों में विभाजित करते हैं। यदि हम अनुप्रस्थ काट इसकी देखें तो इसकी अनुप्रस्थ काट को हम तीन भागों में विभाजित करते हैं। पहला है बाह्य त्वचा, दूसरा है वलकुट और तीसरा है रम्भ यानी स्टील। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर जो लेयर है जिसकी जो सेल्स हैं वो ढोलक के आकार की हैं। ये लंबी कोशिकाओं, ढोलक के आकार की लंबी कोशिकाओं से बनी एक स्तरीय स्पष्ट लेयर होती है, बाह्य भित्ति होती है, जिसके ऊपर क्यूटिकल का निक्षेपण पाया जाता है। इसमें थोड़े धसे हुए रंध्र भी पाए जाते हैं लेकिन इन रंध्रों में सह कोशिकाएँ उपस्थित नहीं होती। दूसरा भाग है कॉर्टेक्स। इसका जो कॉर्टेक्स है उसको हम तीन भागों में बांटते हैं जो स्पष्ट रूप से डायग्राम में दिखाई देता है। पहला है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा है मिडिल कॉर्टेक्स, तीसरा है इनर कॉर्टेक्स। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, जो आउटर कॉर्टेक्स है ये जो सबसे बाहरी क्षेत्र जो है वो अंतर कोश की वायु स्थान, देखो आपको दिख रहा है इंटरसेलुलर स्पेस, अंतर कोश की वायु स्थान युक्त मृदु ऊतिक कोशिकाओं से बना होता है यानी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, लेकिन सेल्स के अंदर बीच बीच में अंतर कोश के अवकाश पाए जाते हैं। इसकी कोशिकाएं जो होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और स्टार्च भी रहता है। और इसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेटरी जोन, मतलब जहाँ भोजन का एसिमिलेशन होता है, जहाँ भोजन का स्वांगीकरण होता है, भोजन बनता है। दूसरा है मिडिल कॉर्टेक्स, ये चार पांच स्तरीय दृढ़ ऊतक कोशिकाओं से बनी होती है जैसा कि आप डायग्राम में देखें। इसकी पणहरित रहित जो क्यूटिकमय सेल होती हैं, क्यूटिकमय कोशिकाएं, वो पादप को बल प्रदान करती हैं। बल देने का काम कौन करता है, कौन करता है, दृढ़ ऊतक यानी स्क्लेरेन्काइमा। और ये जो क्षेत्र है इसको हम मैकेनिकल जोन कहते हैं कि जब आप पौधे को स्ट्रेंथ प्रदान करते हो, बल देते हो, उसको हम मैकेनिकल जोन कहते हैं। तीसरा है इनर कॉर्टेक्स, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है इनर कॉर्टेक्स ये मृदु ऊतक कोशिकाओं द्वारा निर्मित है पर इसमें अंतर कोश की वायु स्थान पूरी तरह अनुपस्थित पाए। अब इसके अंदर की तरफ है एंडोडर्मिस या हिंदी में कहते हैं अंतस्थ त्वचा। ये वो लेयर है जो वलकुट को यानी कॉर्टेक्स को रम्ब यानी स्टील से अलग करती है। इसकी ढोलक के आकार की एक स्तरीय कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स मिलती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, कुछ कोशिकाओं के अंदर एंडोडर्मिस की निक्षेपण पाया जाता है और निक्षेपण की वजह से उसमें से पानी का जो प्रभाव होता है वो नहीं हो पाता, तो इसलिए कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो उसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती है। उसके बाद है आपकी पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल भी सिंगल लेयर कोशिकाओं की बनी होती है। एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल के अंदर की तरफ जो हिस्सा है उसे हम रम्भ या स्टील कहते हैं। इसमें रम्भ जो होता है वो बाह्य आधिदारुक होता है। बाह्य आधिदारुक का मतलब जिसमें आधिदारुक मतलब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ पाया जाए। अब इसमें आप देख रहे हैं जाइलम पालियों में विभक्त है। उसमें ऐसा देखा गया कि प्रकंद तथा वायु प्ररोह जो होता है ऊपर का, उसके मध्य में जाइलम ताराकार 10 पालियों में बटा रहता है और मज्जा अनुपस्थित होती है, ठीक है। और ऊपर जा मतलब पहले तो प्रोटोस्टील होती है और बाद में ये साइफनोस्टील में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से जो डायग्राम है ये वायवीय तने का अनुप्रस्थ डायग्राम है जिसमें आपको सब चीज़ अंदर दिखाई दे। अब बात करते हैं हम जनन की, यानी इसमें कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया। रिप्रोडक्शन मोस्टली जो होता है वो दो प्रकार का होता है,
एक होता है वर्धी मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन। ये जो मैं अच्छा अब वर्धी का पहले वर्धी की बात करें, वर्धी मतलब वेजिटेटिव, वेजिटेटिव का मतलब है आप पता है आपको जड़ तना पत्ती के किसी भाग से यदि दूसरा पौधा तैयार हो जाए तो उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते। अब इसमें जो वृद्धि होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, गैमा के द्वारा। प्रकंद के मूलाभास से ढके हुए, प्रकंद होता नीचे का जिसमें मूलाभास लगे रहते हैं, तो मूलाभास ढके हुए जो नरम शीर्ष होते हैं उनके जो ग्रोइंग पॉइंट है, पॉइंट जो आगे का पॉइंट होता है ग्रोइंग पॉइंट, उस ग्रोइंग पॉइंट से गैमा बनती है या प्रकंद की दो शाखाओं के कक्ष में भी गैमा बन जाती है, वो गैमी के द्वारा वृद्धि प्रजनन होता है। दूसरा है बीजाणु के द्वारा। इस डायग्राम में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये जो लगे हैं ग्रुप में ये बीजाणु धानियाँ हैं और एक तीन बीजाणु धानी जो होती हैं, तीन बीजाणु धानी जो होती हैं वो मिलके एक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको हम कहते हैं सिनेंजिया। क्या कहते हैं? सिनेंजिया। जो स्केली लीज होती है एरल पार्ट के उनके कक्ष में ये सिनेंजिया लगती है, यह बीजाणु धानी भी कहते हैं हम। और इन सिनेंजियम के अंदर ही बीजाणु का निर्माण, ठीक है। तो दूसरा प्रकार बीजाणु के द्वारा है। अब पहले हमें समझेंगे कि इस सिनेंजियम जो हमें दिखाया जा रहा है इसकी एनाटॉमी क्या होती है। यदि हम इसको काटें तो अनप्रस काट में ये त्रिपालिक संरचना होती है। क्या संरचना होती है? त्रिपालिक। इसमें आप डायग्राम देखो जो सी के बाद लेफ्ट में चौथा डायग्राम है, देखो आप तीन पाली दिखाई दे रही है, ठीक है। ए बी सी के बाद लेफ्ट में आइए, लेफ्ट में देखिए इसमें टेपिटम और वॉल लिखिए, ये तीन पाली दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या है कि तीन पाली मिलके यानी तीन बीजाणुधानी मिल गई ये मान के चलो और एक स्ट्रक्चर बनाया इसको हम नाम दिया सिनेंजियम। तो अनप्रस कार्ड में त्रिपालिक संरचना होती है जो अंदर से तीन कोष में विभाजित है, ठीक है। तीन कोष दिख रहे हैं आपको, इनकी त्वचा तीन चार परती होती है जिसकी सबसे भारी जो परत होती है वो बड़ी कोशिकाओं से बनती है और अंदर की छोटी कोशिकाएं तीन अलग अलग कोष्ठ बनाती। प्रत्येक कोष्ठ में बीजाणुजन कोशिकाओं का समूह होता है, ये तीन कोष दिख रहे हैं उसमें स्पोरोजिनस सेल्स का समूह होगा और ये जो स्पोरोजिनस सेल्स अंदर होंगी इन तीन कोष्ठों में वो स्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करेंगी और उसके बाद अर्धसूत्री विभाजन से ये स्पोर को बनाती। तो ये तो बात हुई कैसे हमें सिनेंजियम जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाया था, इस सिनेंजियम की यदि अनप्रस्थ काट हम करें तो उसमें हमें त्रिपालिक संरचना दिखाई देती है जो इसके डायग्राम जो ए के नीचे वाला डायग्राम है, जो ए डायग्राम के नीचे वाला डायग्राम त्रिपालिक संरचना इस तरह से हमको ये दिखाई देती है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इस जो सिनेंजियम की बात हम कर रहे हैं जिसमें बीजाणु बनता है वो बीजाणु की जो सिनेंजियम है वो कैसे विकसित होती है, यानी सिनेम या बीजाणुधानी सिनेंजियम बीजाणुधानी का जो विकास होता है वो कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है। अब देखो विकास के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। सिनेंजियम का परिवर्तन यू स्पोरेंजियर प्रकार का है, मैंने पिछली वाली क्लासेस में आपको बताया है यू स्पोरेंजियर का मतलब हो गया एक से अधिक कोशिकाओं से परिवर्तन, यानी प्राथमिक कोशिकाएं जिनसे सिनेंजियम बनेगी वो एक से अधिक होंगी, ठीक है पहली बात। अब प्रत्येक कोष्ठ युक्त बीजाणुधानी धर की बाह्य त्वचा की अलग अलग कोशिकाओं से विकसित होता है, जो तीन कोष दिखाए ना आपको एक इंच वाला डायग्राम है, हर कोष क्या करता है स्पोरेंजियम फोर होता है ना जिसपे ये स्पोरेंजिया लगेगी उसकी बाह्य त्वचा की अलग अलग कोशिका से विकसित होता है कोष्ठ। कोशिका तो जो बीजाणु है धानी है वो स्पोरेंजियट है, तो यानी अलग अलग कोशिकाओं से विकसित होंगे। प्रत्येक जो सिनेंजियम है तीन बीजाणुधानी के संयुक्त होने से बनती है, यानी हमें मान के चलें कि तीन बीजाणुधानी बनी है तीनों संयुक्त हो गई तो हमने उसको सिनेंजियम का नाम दिया, इसलिए इसे त्रिसंयुज यानी सिनेंजियम कहते। अब क्या हुआ डायग्राम ए पे आइए, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। बाह्य त्वचा की कोई भी सतह सेल जो होती है प्राथमिक आरंभिका यानी जिससे कि स्पोरेंजियम बनेगी उसको कहते हैं प्राथमिक आरंभिका। प्राथमिक आरंभिकाएं जो होती हैं उसमें एक परिणत विभाजन होता है, परिणत मतलब पेरीफेरी के पैरेलल। तो आप देख रहे हैं कि पेरीफेरी के पैरेलल विभाजन होकर ए डायग्राम में दो सेल बन गई, एक पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है।
अब पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, अब जो पैराइटल सेल होती है ठीक है, वो पैराइटल सेल क्या होती है, वो क्या करती है पैराइटल सेल, वो जैकेट बनाती है, क्या बनाती है, बीजाणु धानी की जैकेट। तो इस जैकेट आरंभिका भी कहते हैं, इसमें परिणत विभाजन भी होंगे यानी पेरीफेरी के पैरेलल भी होंगे और अपनत भी होंगे यानी 90 डिग्री एंगल पर भी होंगे पेरीफेरी के। तो उससे क्या होता है, तीन से लेकर चार या पांच स्तरीय भित्ति बन जाती है। किसके द्वारा बनती है भित्ति, पैराइटल सेल की अपनत और परिणत विभाजन से चार पाँच कोशिका चौड़ी, चार पाँच कोशिका चौड़ी एक भित्ति का निर्माण होता है, वो किससे बनती है, जैकेट आरंभिका से यानी पैराइटल सेल से। अब अंदर कौन सेल बनी थी, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल या आर्ची स्पोरल सेल, जैसा मैंने ए डायग्राम में आपको दिखाया। अब ये जो प्राइमरी आर्ची स्पोरल सेल है ये क्या करेगी, ये भी परिणत और अपना विभाजन करेगी और खूब सारी बीजाणुजन कोशिकाएँ बनाएगी, उसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। आप डायग्राम सी में देख सकते हैं, ये देखिए बीच में स्पोरोजिनस टिश्यू है और चांत्र भित्ति बनेगी, एक हिस्सा दिखाया है यानी तीन में से एक हिस्सा। जैसे जैसे बीजाणुधानी परिपक्व होगी, कुछ कोशिकाएं जिनका जीवद्रव सघन व केंद्रक बड़ा होता है बार बार विभाजित होती है और अंत में वे बीजाणु मात्र कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है, यानी एंड में। ए के नीचे डायग्राम है, जो ए डायग्राम के नीचे डायग्राम है वो समझ लीजिए आप कि उसके अंदर स्पोर मदर सेल की स्टेज आ चुकी है, तीनों बीजाणुधानी एक कॉमन वॉल में है, उसको हम सिनेंजियम कहते हैं इसीलिए इस स्ट्रक्चर को, और एक कॉमन वॉल बाहर आपको दिखाई गई है। हर बीजाणुधानी के जो स्पोरोजिनस टिश्यू है बीचों बीच सब में, तीन है ना स्पोरोजिनस टिश्यू, हर स्पोरोजिनस टिश्यू के बिल्कुल लगा हुआ एक लेयर पाई जाती है, इसको हम टेपिटम कहते हैं। जो अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको जिसमें स्पोर मदर सेल हैं वो जब स्पोर बनाएंगी तो टेपिटम उसको भोजन देने का काम करती। अब डायग्राम सी के नीचे डायग्राम देखिए आप, स्पोर मदर सेल डिवाइड होनी शुरू हो गई है और एक स्पोर मदर सेल से चार स्पोर बनते हैं। तो जैसे कि आप जो कि बी के नीचे नीचे डायग्राम है, बी के बिल्कुल नीचे आइए आप देखिए तीन स्पोरंजिया दिखाई जाएंगी इकट्ठी, जिसको हम सिनेंजियम कहते हैं, और हर एक में छोटे छोटे स्पोर दिख रहे हैं जो अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, यानी एक का चार हैं, चार बनते हैं एक एक स्पोर मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन से चार बीजाणु बनाएगी और चारों बीजाणु पहले संयुक्त होते हैं धीरे धीरे फिर अलग हो जाते हैं। तो आपको इस डायग्राम के अंदर बहुत सारे बीजाणु हर बीजाणुधानी में दिखाई दे रहे हैं, तो तीन बीजाणुधानी जो होती हैं कॉमन वॉल में रहती हैं, इसे हम सिनेंजियम की संज्ञा देते हैं। और तीनों बीजाणुधानी के अंदर स्पोर मदर सेल के अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो बीजाणु बनते हैं वो इसके अंदर बंद रहते हैं, चूँकि अर्धसूत्री विभाजन होता है इसलिए बीजाणु हमेशा हैप्लॉयड अगुणित या एक्स होते हैं। जबकि पौधा कैसा था, जो ए हम डायग्राम दिखा रहे हैं उसमें जो शुरुआत हुई वो सेल कैसी हैं, टू एक्स हैं, क्योंकि पौधा कैसा है इसका, स्पोरोफाइट, ठीक है। तो लेकिन जो बीजाणु बनेंगे वर्षसूत्री विभाजन से बनेंगे और वर्षसूत्री विभाजन से बने हुए बीजाणु आगे की दूसरी पीढ़ी, इसको हम युग्मोद्भिद पीढ़ी कहते हैं, उसको बनाते। तो बीजाणु बनते तो हैं स्पोरोफाइट पर लेकिन खुद एक्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये बीजाणु जो होता है, ये जो बीजाणु होता है इस बीजाणु का अंकुरण की बात करते हैं, क्योंकि इस बीजाणु का जब अंकुरण, ये एक्स है हैप्लॉयड है, इस बीजाणु का जब अंकुरण होगा तो ये बीजाणु अंकुरित होकर क्या करेगा, कौन सी पीढ़ी बनाएगा, युग्मोद्भिद पीढ़ी। तो हम बात करेंगे अब युग्मोद्भिद पीढ़ी की, यानी बीजाणु पहले अंकुरण होगा फिर आएगी युग्मोद्भिद पीढ़ी। तो बीजाणु का अंकुरण कैसे होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। देखिए बीजाणु जो होता है वो लगभग, इसमें एक डायग्राम में जो दिखाया है बीजाणु दिखाया है, इसका एक डायग्राम देखिए आप। बीजाणु जो होता है वो सम बीजाणु होते हैं साइलोटम में, मतलब होमोस्पोरस होते हैं, प्रत्येक बीजाणु में एक केंद्रक होता है और बीजाणु जो होता है 0.32 से 0.65 mm बड़ा पाया जाता है। उसमें दो तरह के स्तर होते हैं, पहला होता है बाह्यचोर जो पतला और भंगुर होता है, और अंदर वाला जो होता है भीतरी वो समतल होता है, उसको हम अंतश्चोल भी कहते हैं। अब जब अंकुरण शुरू होता है तो प्रत्येक बीजाणु पर आप देख रहे हैं ए डायग्राम में लंबाई में तीन चौथाई लंबाई में मध्य रेखा छिद्र होता है जो दोनों तरफ लिप के द्वारा, ऐसा लग रहा है होंठ जैसी संरचना दिखाई, लिप्स के द्वारा घिरा रहता है, लिप जैसी संरचना बन जाती है। तो बीच में क्या होता है, मध्य रेखा छिद्र होता है। बीजाणु का अंकुरण मध्य रेखा छिद्र पर इसकी भित्ति फटने से होता है, यानी जो आपको बीच में दिखाई दे रेखा यहाँ से फटेगी, यहीं से बीजाणु का अंकुरण होगा।
यह प्रक्रिया धीमी होती है और उसमें 3-4 महीने लग जाते हैं। सर्वप्रथम अंतश्चोष गोलाकार रूप में बाहर निकल आता है और आकार में बड़ा होने लगता है। यह एक अनुप्रस्थ भित्ति से 2 कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। इसका डायग्राम आप देखिए, डी एक एपिकल सेल बनी और एक डायग्राम में देखिए 2 सेल, एक एपिकल सेल और एक बेसल सेल। तो एपिकल सेल है वो बनाएगी, इसकी मेन तो अंकुरण वहीं से होगा, और जो बेसल सेल है वो जो बीज का चोल है, जो बीजाणु है, उसके अंदर ही रहती है। तो इसकी बड़ी कोशिका आधार आधार पर होती है और बीजाणु भित्ति के अंदर रहती है, जो नीचे वाली आप डायग्राम देखिए डी। और दूसरी छोटी कोशिका जो ऊपर रहती है एपिकल सेल कहते हैं, वो तिर्यक विभाजन द्वारा पिरामिड आकार की एक शीर्ष कोशिका बनाती है, डायग्राम ई पे आई है, जो 3 तरफ से विभाजित होती रहती है। जब ये बार बार विभाजित होकर पतली भित्ति षटकोणीय कोशिकाएं बनाती है जो पण रहित पाती है। देखिए आप ई डायग्राम में नीचे सेल्स काट रही है, 2 काटी पर फिर 3 दिख रहा है नंबर, तो ये पिरामिड सेल से कोशिकाएं कटती जाती हैं और शीघ्र इसमें कवक मूल कवक प्रवेश कर जाते हैं जो इसको पोषण प्रदान करते हैं। ये अनेक कोश की संरचना बाद में युग्मोद्भिद पादप बनाती है। नीचे आप देख रहे हैं एफ डायग्राम, जी डायग्राम, एच डायग्राम, आई और जे, ये युग्मोद्भिद बनने की प्रक्रिया है। किसके द्वारा? इस बीजाणु के अंकुरण के द्वारा। तो बीजाणु चूंकि हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है और बनता है द्विगुणित पीढ़ी पर यानी स्पोरोफाइट पर, लेकिन चूंकि अर्धसूत्री विभाजन से बनता है इसलिए खुद हैप्लॉइड होता है, और जब खुद हैप्लॉइड होता है तो उसका अंकुरण जब होता है वो दूसरी पीढ़ी जो बनाता है उसको कहते हैं युग्मोद्भिद पीढ़ी, जो हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड होके ही वो दूसरी पीढ़ी हैप्लॉइड जो होती है वो युग्मकों का निर्माण करती